हमारे परेशानी फिलहाल आ रही है। अब जो हमारी ज़मीन आज हमारे 10 साल होगा, 11,000 वर्ष होगा, 15,000 वर्ष होगा, हमारा बटका यहाँ आके बसा था, जिसके पास ये सवाई चक ज़्यादा ज़मीन है और पर्चा की ज़मीन कम है हमारा कागज की, तो वो ज़मीन ने यार जंगला तला, वो ज़मीन ने क्या कर दिया, पर्चाड़ी ने बिठा के पहाड़ में रख दी। नहीं जमीन खातेदारी की है जी 2 बीघा, बाकी कब्जा है जी 10 बीघा, कब्जा है कम से कम 15-20 साल पुराना, उसी पर निर्भर है हम तो। पूरी जमीन गई जी, 12 का 12 बीघा जमीन बिल्कुल, जो रजिस्टर्ड थी वो भी गई। हमने सुना है कि देश आजाद हो गया, लेकिन हम इस क्षेत्रवासी आज भी उस गुलामी में जी रहे हैं कि हमने आजादी नाम की चीज अभी तक नहीं देख पाए। और स्थितियां यह है कि समस्या हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या हमें विशेषकर गर्मियों के मौसम में पानी की प्रॉब्लम होती है। हम एक एक गिलास पानी के लिए तरसते रहते हैं। और मैं इस मामले में सभी आला अधिकारियों को अवगत कराया, मैंने राजस्थान पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई, यहाँ के विधायक साहब से मैंने NOC बनवाई, इंस्ट्रूमेंट बनवाया, ग्राम पंचायत की तरफ से NOC दिलाई, उसके बाद में बिजली विभाग से NOC दिलाई, और विधायक साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आपको विधायक कोटे से एक पानी की टंकी उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन 4.5 साल हो गए, 4 साल 10 महीने हो गए, आज तक हमें वो पानी की सुविधा नहीं मिल पाई। चलो वो भी किसी तरीके से हम जी रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो अब हमारे सामने ये होगी कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। जिस ज़मीन पर हमें खड़े होने के लिए 1 इंची ज़मीन नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने इन पहाड़ों को खोद खोद के रात दिन मेहनत कर करके थोड़ी थोड़ी ज़मीन तैयार की थी, और उस ज़मीन को भी इन लोगों ने इस तरीके से लिया हमारे से, जैसे तानाशाही काम हुआ मुगलों के टाइम में हुआ या अंग्रेजों के टाइम में हुआ, उससे भी बदतर हमारे साथ स्थितियां हो गई। मैं अनुसूचित जाति से बिलोंग करता हूं, हमारे 42 परिवार अनुसूचित जाति के हैं, जिनमें से 42 परिवारों को ज़मीन से बिल्कुल बेदखल कर दिया गया है। हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, या 2 बीघा ज़मीन है अपनी खेती करने के लिए। हमारा सबसे बढ़िया एक कमाई का सोर्स था पशुपालन, हम एक छोटे मोटे पशु पाल के हमारा गुजर बसर कर लेते थे, लेकिन आज वो हमारा ये सरकार हमसे वो जो छोटा मोटा जीव विभाग था उससे मतलब इसको सारे को सारे जंगलात विभाग में यानी वन विभाग में, और वो भी एक तानाशाही के तहत, जिस ज़मीन को हम 12 जोत रहे थे, 100 साल हो गई, हमारे बुजुर्ग ये बताते 150 साल हो गई। लेकिन ये सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि 150 साल से सरकारें कहाँ सो रही थी। मैं ये बता रहा हूँ कि सरपंच को ज़मीन का बारे में कोई शिकायत नहीं करी, नहीं बताया नहीं किसी ने भी। ये 500 गांव की ज़मीन है ना, देखिए नेमन बोलो होगी कोई नहीं हुई, और वह ज़मीन थाना बताऊँ पैलंटी भरी और वह पास हुई कोई नहीं। ये जितनी भी रसीदें हैं इनकी हमने पैलंटी भरी है, और 40-40, 50-50 सालों से हमारे बुजुर्ग इन पैलंटी भरते आए हैं, लेकिन आज ये उन पैलंटियों की कोई वैल्यू नहीं समझ रहे, और बिना कुछ देखे ये अपने तानाशाही के तहत हमें इस तरीके से बेदखल कर रहे हैं। ये इसका व्यवहार इस गवर्नमेंट का, मैं तो ये कहूँगा हमें मोदी जी से बहुत बड़ी उम्मीद थी, हमें उन्होंने एक सपना दिखाया था कि अच्छे दिन आने वाले थे। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी क्या यही अच्छे दिन है? हमारे 8 बीघा पक्की जमीन के नाम से हमारा दादा परदादा से 12 खारा था, और वो जमीन आज के नाम से जंगलात के थ्रू हो गया ठीक। हमको कोई तो जंगलात आया कहीं से थारी जमीन हुआ, वो पापड़ा में गई एंड में कौन छोड़ा इंद्र जंगलात में से, आज मान 3 पीढ़ी से बात खाता होगा उन्हें, तो मारों को कोई नाम निशान को नहीं आज जंगलात के जमीन के मायने। ये अपने यहाँ की नहीं, पूरे वैसे तो देश की और पूरे प्रदेश की समस्या है। ये हमने विधानसभा में भी बात की थी कि वन भूमि के बीच में जो लोग सैकड़ों सालों से बसे हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बसे हुए हैं, तो बात यह है कि चलो साहब जो जितने में बसे हुए मैंने कहा वो बसे हुए, लेकिन जब उनकी आबादी बढ़ेगी उसका क्या होगा, तो इस पर विचार चल रहा है कि उसको किसी भी प्रकार से डाइवर्जन करवाया जाकर उसके बदले में दूसरी जो सरकारी ज़मीन है, जो स्वाइचक हो गोचर हो, वो वन विभाग को दे दी जाए और वन विभाग में से इनकी आबादी की भूमि को निकाल दिया जाए। जो 22 जाति जिसमें हम पैदावार करते थे उस ज़मीन को तो वो ले रहे हैं वन विभाग में, और हमें उबड़ खाबड़ जो पथरीले जो जहाँ कुछ पैदा नहीं हो सकता
वो जमीन कहते हैं कि आपकी जमीन तो वहाँ है, कहीं 2-3 किलोमीटर दूर है तो कहीं 5 किलोमीटर दूर। भूमि तो फर्स्ट सेटलमेंट के समय से वन विभाग के खाते में बोली जा रही है, लेकिन ये कब्जे के आधार पे पेड़ स्वायचक में उग गए, खेती वन वाले में होने लग गई, या बसावट वन विभाग की जमीन में आ गई और सरकारी भूमि स्वायचक या आबादी भूमि खाली रह गई। तो ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो वास्तविक रूप से हमको जहाँ काबिज होना चाहिए था, भ्रम में दूसरी जगह काबिज हो गया। अभी हम राजस्थान के सीकर जिले के श्री माधोपुर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े हैं। ये लादी के आवास पंचायत है, इस पंचायत के अंदर 5 गांव आते हैं और इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसी 11 पंचायत हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों से बात की और यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी जो समस्या है, जिस ज़मीन पे वो जेनरेशन से रह रहे हैं उस ज़मीन का अधिग्रहण कर रही है सरकार। सरकार का ये कहना है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड है और इस लैंड को एक्वायर करके वो फॉरेस्ट एरिया को डेवलप करेगी। जो पहाड़ी उनमें तो माइंस करके बेच दिए जी, माइंस होगा जी, पूरा एरिया कवर हो गया, मतलब जमीन नहीं बच रही हमारे एरिया में कोई। गांव में ज़्यादातर अनपढ़ आदमी पशु पर निर्भर करते हैं, वो पशु भी बेचने पड़ेंगे। जो एरिया बच रहा था खाली उनमें 4 दुआरी लगा के बंद कर दी। चीज़ का माइंस होता है यहाँ पर, चेजा पत्थर है जी, चेजा पत्थर है, मार्बल है। अच्छा। रोडी करेसर बना रहे हैं जी, करेसर जोन बन रहा है जी जी। अच्छा, और फिर क्या है? मार्बल निकल रहा है जी। घर में फर्श पे लगाते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे ये जो पहाड़ हैं, ये पहाड़ में माइनिंग की जाती है, इसमें ब्लास्ट कराया जाता है, ब्लास्ट करके जो चट्टान निकलता है, चट्टान को प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा जाता है, उससे वो जो फर्श पे पत्थर लगाए जाते हैं वो तैयार किया जाता है। लोगों का कहना है कि ये अवैध खनन हो रहा है, ये जो ब्लास्टिंग कराई जाती है इससे ज़मीन हिलती है, इनके जानवर मारे जाते हैं और उन जानवर पे इनका एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है। जितना मैंने इसको समझा 4.5 साल में, ये ब्लास्टिंग को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। अब कायदे से ब्लास्टिंग के जो नियम्स बने हुए हैं उसमें बहुत कम मात्रा में, कम शक्ति की ब्लास्टिंग होनी चाहिए, लेकिन जैसा यहाँ के कई बार शिकायत आती है कि साहब वो बड़ी ज़्यादा ताकत की ब्लास्टिंग कर देते हैं, उससे पत्थर भी उछल के बाहर जाते हैं और धरती में भी कंपन होने की संभावना। जब जब शिकायतें मिली उसको जांच करवाई गई है और बहुत हद तक तो अंकुश है, लेकिन चूंकि अब रात को चोरी छुपे कई बार अगर होता हो। ये अपनी इन समस्याओं को लेकर इनका कहना है कि ये अक्सर अथॉरिटी के पास जाते रहे हैं लेकिन आज तक इनकी इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है।